डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मा, प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से साई वाणी को प्रारंभ किया और आज लगातार लोगों से जुड़ता चले गए। ये जुड़ने का कारण है आप सबको साई के प्रति जो आशीर्वाद मिले हैं, जो अनुभव मिला है उसको मैं निजी तौर पर आपके साथ जब साझा करता हूँ तो आपको अच्छा लगता है। और आज का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे दिल्ली के भाई ने, श्याम सुंदर अरोरा जी ने, और उन्होंने खासकर ये प्रश्न पूछा है कि मैं जानना चाहता हूँ सुनील जी कि भगवत गीता को जीवन का सबसे अनमोल ग्रंथ कहा जाता है, तो आप साई गीता के बारे में कौन सा संदेश देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये विचारों के साथ जुड़ी हुई बात है और कृष्ण के प्रति भावना के साथ जोड़ने का जो प्रयास है वो भी विचारधारा का प्रयास है। हमेशा अपने जीवन में जैसे मैं कहता हूँ कुछ कुछ चीजों के लिए कुछ चीजें बनी है और सबसे पहली चीज बनी है, जैसे अगर हमें शरीर को शुद्ध करना है तो योग चाहिए, वाचा को शुद्ध करना है तो व्याकरण चाहिए, और अपने शरीर के व्याधियों को शुद्ध करना है तो हमें प्राणायाम चाहिए। उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन को शुद्ध करना है तो साई वाणी को सुनना चाहिए। साई वाणी में एक विचार है, साई बाबा ने पूरे जीवन में ध्यान का मार्ग दिखाया और ध्यान का मार्ग ही भक्ति का मार्ग है। आज के तारीख में मैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इस विषय के प्रति तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन आज का मेरा जो वचन है, जो भावना है, अरोरा साहब ने जो प्रश्न पूछा है कि हमें कौन सा संदेश है, और मैं आज आपको एक पंचसूत्री के तौर पर एक संदेश देना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले मैं हर बार एक कहानी सुनाता हूँ, तो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि इस कहानी को आप ठीक से समझो। साई बाबा ने अपने भक्तों को हमेशा एक सलाह दी है और वो सलाह है नीति के मार्ग पर चलो, क्योंकि अगर अनीति से चलोगे तो याद रखना आखिरी में पछताओगे। झूठ का मार्ग शुरू में बहुत कुछ देता है लेकिन आखिरी में दुख देता है, और कभी कभी सत्य का मार्ग शुरू में दुख देगा लेकिन आखिरी में बहुत परम सुख देगा। ऐसी विश्वासघात की हुई एक राजा के साथ, अपने ही एक सहयोगी जो राजा के साथ था उन्होंने की हुई जो विश्वासघात की कहानी है, मैं कहानी जरूर सुनाना चाहता हूं। कहानी से आपको इतना ही बोध लेना है, मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि कभी भी अनीति से व्यवहार मत करना, अनीति से व्यवहार करने वाला इंसान आखिरी में फंस जाता है। अगर आप भगवान की भी साधना कर रहे हो तो शुद्ध भाव से करो, नहीं आपके पास कुछ कोई बात नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। आज की दिखावे के चक्कर में हजारों लोग कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को बोझ पूरा करने के लिए थक जाते हैं और उसी में ही मर जाते हैं। क्या जरूरत है इतना किसको दिखाना चाहते हो आप? अरे जो जिसको दिखाना है परमात्मा को, उसी ने तो सब कुछ आपको दिया है, तो आप चिंता किस बात की कर रहे हो। ये कहानी है राजा भोज के जीवन की, और कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी कहानी ने एक विचारधारा दी है, एक समर्पण दिया है, एक शास्त्र दिया है, और इसी को विचारधारा के प्रति जोड़ते हुए हमें उस बात को ठीक से समझना पड़ेगा। राजा भोज कि जीवन की ये कहानी, उसको जब 14 विद्या आती थी तो वो थोड़ा सा युगोस्टिक हो गया, उसको युगो मिला। ज्यादातर आजकल लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने से युगो बढ़ जाता है, और युगो बहुत ही अहंकार सबसे बुरी चीज है। राजा को 14 विद्या आती थी तो वो अपने दरबार में मस्त सबके सामने खुद को थोड़ा सा शूरवीर मानने लगे थे, लेकिन उसी समय भगवान शंकर और उनकी पत्नी पार्वती वो सोचते हैं कि राजा का थोड़ा सा अहंकार कम किया जाए, और इसीलिए वो एक जादूगर का रूप लेके उस राज्य में चले जाते हैं और कहते हैं कि राजा मैं आपके दरबार में जादू दिखाना चाहता हूँ। राजा कहता है पहले ही मेरे सब राज्य के लोग मेरे 14 विद्या से प्रभावित है, आप क्या ऐसी कौन सी जादू दिखाओगे जिससे मेरे से भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिर भी वो जादूगर विनती करता है, मैं और मेरी जादूगरनी, राजा आप इतने महान है, भले आपको शायद मेरी इस विद्या का अच्छा फल ना मिले या खुशी ना मिले, लेकिन आपकी प्रजा तो देखेगी,
बात सही समझता है राजा और कहता है कोई बात नहीं, चल तेरे को क्या विद्या दिखानी दिखा ले। और फिर वो एक रस्सी लेता है अपने, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बताऊंगा क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं मतिदार्थ लेने के लिए, सार लेने के लिए कह रहा हूं। मैं साई के सभी पूरे विश्व के साई वाणी सुनने वाले भक्तों को आज कहना चाहता हूं, किसी भी चीज का अहंकार मत करो और नीति से जियो, क्योंकि आखिरी में नीति ही जीती है, अनीति वाले लोग नहीं जीते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था यत्र यत्र धरो, मतलब कौन सा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विचार वाला, कि आखिरी में जहां यत्र योगेश्वर और धनुर्धानी अर्जुन है और जहां नीति और सच्चाई का मार्ग है, तो संजय ने कहा धृतराष्ट्र यहां सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही जीतने वाला है, आपके कौरव जीतने का कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार अपने जीवन में जो आदमी ईमानदारी पे चलेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, अपने शब्द पे अड़िग रहेगा, लोगों के सेवा करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, अपने मार्ग पर अच्छी तरह से चलता रहेगा, अपने सेहत के लिए योगासन करेगा, एकदम बहुत ही जरूरी जो शरीर के लिए जरूरी है कि ना कि जीभ के लिए जरूरी है, जो शरीर के लिए जरूरी है वो आहार लेगा और अच्छी तरह से नींद लेगा और अपने जीवन का लक्ष्य तय करके उसी में जुड़ा रहेगा, शरीर श्रम करेगा, मेहनत करेगा, सच्चाई के साथ, लगन के साथ, प्रसन्नता के साथ रहेगा, उसका जीवन भी सुंदर है और उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बात सिंपल सी है लेकिन महत्वपूर्ण बात है। और फिर राजा भोज के दरबार में जादूगर जो शंकर बन के आए थे, शंकर भगवान जादूगर बन के आए थे और जादूगरनी मतलब पार्वती देवी थी, जब वो एक रस्सी निकालते हैं और फेंक देता है ऊपर आकाश की तरफ, रस्सी लंबी होती जाती है और वो कहता है राजा इस रस्सी पे मैं ऊपर चढ़ूंगा और जब तक वापस नहीं आऊंगा तब तक मेरी जादूगरनी को आप आपके दरबार में ठीक से संभाल के रखना और मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे वापस दे देना, आप मुझे प्रॉमिस करो, वादा करो मेरे से। राजा कहता है मैं इतना बड़ा राज्य में रहते प्रधान है, आपकी यहाँ जादूगरनी को कौन लेके जाएगा। बिंदास बोलता है तू जा वापस आ जा, तेरे को मैं जादूगरनी दे दूंगा। और वैसे जैसे जादूगर ऊपर चला जाता है सब एक थोड़ा 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 देके ऊपर आकाश में निकल जाता है, फिर दिखने दायक नहीं होता, सब डर जाते हैं, उनको लगता है जादू की कमाल है, थोड़े दिन में नीचे छलांग मारेगा, लेकिन वो नहीं आता है। आधे घंटे के बाद वो पैर तोड़ के नीचे भेजता है, फिर हाथ तोड़ के नीचे फेंकता है, फिर सर तोड़ के नीचे फेंकता है, सब डर जाते हैं लेकिन उनको लगता है जादू है, जादू तो नहीं होती है, सब भेजता है। तो फिर एक डेढ़ घंटे के बाद सोचते हैं अब ये तो मर गया, फिर उसको जलाने की कोशिश करी जाती है, जलाने के लिए जाते हैं तो जादूगरनी बोलती है मैं तो सती जाऊंगी, मैं मेरे पति के चिता में आग जान देना चाहती हूँ क्योंकि मैं जी के करूँ क्या। राजा कहते तो ऐसा मत कर, लेकिन वो नहीं सुनती और उस राजा से शब्द लेके वो चिता में सती जा जाती। कहानी है ठीक से समझो, अभी जब चिता में जल जाते हैं पूरे दोनों जल जाते हैं, चिता अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी, तो जादूगर ऊपर से नीचे आता है और कहता है राजा कैसी लगी मेरी जादू। वो तो शॉक हो जाता है, इतनी महान जादू करके वो शॉक होने के बाद उसको खुशी मिलती है, उसको आनंद मिलता है कि ये क्या है, किस तरह से ऐसा हुआ। और फिर खुशी खुशी वो आराम से कहता है कि मेरी जादूगरनी कहाँ है। राजा कहता है अरे वो तो सती चली गई, मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, रानियों ने भी की, लेकिन उसने सुना नहीं। राजा फिर जादूगर कहता है राजा आप गलत बोल रहे हो, आप वचन के पक्के राजा नहीं हो, आप मेरी जादूगरनी को कहीं छुपा के रखे हो, आप देना नहीं चाहते और आप उसकी रानी बनाना, आपकी रानी बनाना चाहते हो। कहानी ठीक से समझो, बहुत बार ऐसे मौके आते हैं हमारी जिंदगी में लालच के, उसे कभी महत्व मत देना भाई और बहनों। जिंदगी में उस चीज को हमेशा महत्व देना जो सत्य का मार्ग है, जो विचारों का मार्ग है, जो अपने लक्ष्य को पाने का मार्ग है। अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के समय अगर कोई आपको समस्या आई तो उसको बिल्कुल भी महत्व मत देना, अपने मार्ग पर, अपने विचारों के पर हमेशा अड़िग रहना। जहां पहुंचना है उसके लिए जाना पड़ेगा आपको, बीच में रुकना नहीं है। और फिर राजा को वो जादूगर कहता है राजा अगर मैं तेरे महल से मेरी जादूगरनी को निकालूंगा तो तू क्या करेगा। राजा बोलता है जैसे तू समझेगा, जो बोलेगा तू, मैं हार जाऊंगा। फिर सच में वो बोलता है, जादूगरनी तीन तालियां बजाता है, वो वापस आती है घर से, तो महल से आते तो सब चकित हो जाते हैं, सब लोग चकित हो जाते हैं। और फिर भगवान शंकर अपना प्रकट रूप करते और बोलते ये 15वीं विद्या है राजा, तुझे ये विद्या के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, उनको लगता है हम ही ज्ञानी है, किसी को कंप्यूटर चलाना आता है वो बाप को बेटा बोलता है पापा आपको कुछ नहीं आता, मैं तो कंप्यूटर चलाता हूं। अरे जिस बाप ने कंप्यूटर खरीद के दिया उसके बारे में तो सोच,
अहम भाव, अहंकार कभी मत करना किसी चीज का, कभी मत करना। मैंने बहुत तहे दिल से आपको कहा है कि इस कहानी से आपको बोध लेना है, और ये साई वाणी, साई बाबा यही तो कहते हैं अपने भक्तों को। अरे जब आप बहुत रूट लेवल से चलोगे, जमीन से चलोगे ना भाइयों, कभी गिरोगे नहीं, गिरने का डर ही नहीं होगा। और फिर कहानी ठीक से सुन लीजिएगा, मजा आता है ये सब सुनने में, लेकिन इसका अर्थ भी लेना जरूरी है, सिर्फ मजा लेना जरूरी नहीं है। और फिर 15 विद्या सीखने के लिए राजा अपने नाई के साथ जंगल में चला जाता है। जंगल में एक ऋषि के पास हिमालय में जाके 15 विद्या सीखता है कि मरे हुए इंसान को जिंदा करना है। और पूरा नाई भी राजा के साथ 2 साल रह के वो पूरी विद्या सीख लेता है। लेकिन राजा जब दरबार से जाता है तो रानी सत्यवती और रानी भानुमती, दो रानियां थी राजा भोज। और रानी सत्यवती बहुत ही अच्छी रानी होती है। राजा उसको कहता है, रानी देख, मैं तू तो मेरा चेहरा देखने के बगैर का कुछ खाना पाना भी नहीं खाती हो, लेकिन कोई बात नहीं, तू एक बात सुन ले, मैं उसके सर का एक बाल निकाल के देता हूँ। और कहते हैं ये बाल ले ले, और जब मैं वापस आऊंगा, शायद 2 साल लगे या 20 साल लगे, मैं पहचान न पाऊ, तू मुझे पहचान न पाएगी, मेरा रूप बदल सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा आने के बाद, रानी मेरा बाल कहाँ है तो समझ लेना मैं ही आया हूँ। रानी कहती कोई बात नहीं, जैसे आप ठीक समझे। और फिर उसका एक खुद का तैल चित्र बना के रखता है वो अपने वॉल पे, और रानी को कहता है कि तू मेरा ऐसे चित्र को देख और समझ कि मैंने तुझे दर्शन दिया, और तू खाना खा ले। फिर वो चला जाता है। चला जाने के बाद 2-3 साल वो ऋषि के पास जाके 15 विद्या सीख लेते हैं, लेकिन उस सीखने समय राजा के साथ जो नाई बैठता है वो भी वो विद्या सीख लेता है। वो 3 साल के बाद ऋषि से वापस चले आते, चले आते आते नाई की इच्छा मन में एक अलग विचार चलता है, और वो राजा को कहता है, राजा क्योंकि जब राजा सीख रहा था विद्या, तब वो नाई भी सब मंत्र पढ़ रहा था और सुन रहा था, और उसने भी पूरी विद्या सीखी थी कि इंसान को मार के जिंदा कैसे होना है। फिर वो राजा को कहता है, राजा हम अभी दरबार जा रहे हैं, इतनी 15 विद्या आपने सीखी है, लेकिन हम ऐसा करेंगे, एक ये विद्या हमें आती के नहीं देखना पड़ेगा ना दरबार जाने से पहले, तो हम क्या करते, एक तोता जो होता है उसको बुलाएंगे, पकड़ते हैं और उसको बोलते, तोते को पहले मारते और फिर उसको जिंदा करते। तो राजा बोलता है, तू सही कह रहा है कि प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। देखो बुरे विचार वाले लोग है ना, हमेशा बुरे विचार देने में माहिर होते, इसीलिए उन लोगों से दूर रहना जो अपने मन में निगेटिव और बुरे विचार डालेंगे, वैसे लोगों से दूर दूर तक संबंध मत रखना। मैं आज आपको साई वाणी में दावे के साथ कह सकता हूं, ओनली पॉजिटिव थिंकिंग इन योर लाइफ, क्योंकि सकारात्मक सोच ही सब कुछ कर सकती है। और फिर वो तोते को मारते हैं, और फिर जैसे ही तोते को मारते हैं, राजा अपने प्राण उसमें डाल देता है, और इसी का मौका देख के नाई राजा के शरीर में, अपने शरीर खुद को मार के शरीर में जाता है, और राजा का प्राण तोते में बंद होता है। फिर तोता राजा भोज बन गया तोता, और जो नाई था वो बन गया राजा। वो जाता है दरबार में, सब पहचानते हैं, लेकिन रानी भी कोई नहीं पहचानता है, लेकिन रानी पहचानती क्योंकि वो बाल नहीं देता है। और फिर एक दिन तोता उड़ते उड़ते रानी के पास आता है और सब कहानी कहता है। और फिर रानी और तोता, मतलब जो असली राजा भोज है, रानी सत्यवती एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि दरबार में उसको बुलाया जाए, जो झूठा नाई जो राजा बना था, और उसको कहेंगे, रानी सत्यवती कहेगी, राजा आप भी कमाल करके दिखाओ जो आप 15 विद्या आप सीखे हो। और फिर एक बकरे को, काटे हुए बकरे को लाते और बोलते कि बकरे में आप जान डालो और उसको फिर जिंदा करो। फिर बकरा लाते, राजा कहता है उसको तो पता है अभी ये तोता तो यहां नहीं आएगा। फिर वो बहुत, मतलब रानी के सामने कुछ दिखाने के लिए, कुछ लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ करते, दूसरों को दिखाने के लिए दूसरा, और फिर बच जाते। और उसी प्रकार जब वो नकली राजा बकरे को काट के अपनी जान बकरे में डालता है, तुरंत वो तोता मर के अस्थि राजा का, जो राजा भोज का शरीर था उसमें प्रवेश कर लेता है, और जो नाई बना था, जो राजा बना था, वो बकरा बन जाता है। आखिरी में कहानी का बोध इतना ही है, आप किसी को फंसाओ, आपको फंसाने वाला कोई ना कोई मिलेगा। आज जो प्रश्न अरोरा साहब ने पूछा है कि साई बाबा ने ऐसा कौन सा संदेश दिया है, तो साई बाबा ने सिर्फ 5 महत्वपूर्ण संदेश दिए है। पहला संदेश है, जो आप लोगों से अपेक्षित करते हो वैसा लोगों के साथ व्यवहार करो। दूसरा संदेश दिया है, हर दिन मेडिटेशन करो, अपने अंदर जाओ, बाहर जाने की, बाहर खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी खुशी अंदर से है वो आदमी सृजनशील बन जाता है, नम्र बनता है, और उसी के हाथ से बड़ा कार्य होता है। क्रोधित आदमी ने आज तक कोई बड़ा कार्य नहीं किया। क्रोध को सकारात्मक सोच की तरफ से कन्वर्ट करना जरूरी है, ना कि दूसरों को मारने में और गाली गलौज करने में। तीसरा और महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण,
अच्छे विचार रखने हैं तो शरीर शुद्ध होना चाहिए और उसके लिए योग, साई योग करना जरूरी है, जिसको मैं अभी आपको कहने वाला हूं आगे के कुछ एपिसोड्स में। साई योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम जब साई वाणी के सेंटर शुरू किए तो योग के लिए सबको कंपलसरी किया है। चौथा है शुद्ध आहार, बहुत ही अच्छा आहार लेके फिट रहना जरूरी है। और पांचवा है अपने कार्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को तय करो। लक्ष्य के बगैर जीना मतलब अंधा जीना है, उसको कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए उठो, जागो, प्रारंभ करो और जारी रखो, क्योंकि वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दे अंधेरा झट गया, क्योंकि यही दिया दृढ़ विश्वास। ये बात आप ठीक से समझो, ये बात इसलिए समझो, ये विश्व है, ये दृढ़ता के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि अपने को लक्ष्य पाना है। और नीति के साथ चल के साई वाणी का प्रारंभ और जारी रखने का जो मूल मंत्र मैंने दिया है, उसको हर दिन एक घंटे के लिए, 60 मिनट के लिए, और अपने जीवन में आत्मसात करने का जो प्रयास आप करोगे, उसी में आपको सक्सेस मिलने वाला है। वरना आप कहीं कहीं नहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करते, फिर लक्ष्य कैसे तय करने हैं, ये मैं आखिरी में कहना चाहता हूं। अपने दिल की आवाज सुनो और उसको लक्ष्य बनाओ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज की साई वाणी में बस इतना ही। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की। और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मिति करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने saiwanitrust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saiwanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद, एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
40506070607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।